हर हर महादेव। ऐसा है कि कई लोग कहते हैं कि बालकों की शुद्धि कैसे हो, क्या बालक तो लोग कहते हैं कि वैसे ही पवित्र हैं, बालक सदा पवित्र होते हैं, तो उनकी किस अवस्था में क्या क्या विधान करने पर शुद्धि होती है, शास्त्र क्या उनके लिए निर्देश करते हैं, इस पर विचार करते हैं। जैसे छोटा बालक है और वो ऋतुमती माता के पास भी जाता है, अब पूरे दिन वहाँ नहीं रह सकता, वो इतना बड़ा है कि भाग करके बाहर आ जाता है, तो माता ऋतुमती माता का स्पर्श करने के बाद वो बालक फिर और लोग भी उसको लेते हैं, तो उनकी क्या व्यवस्था है, उसे कैसे शुद्ध किया जाए, कब लिया जाए। तथा बालक मल इत्यादि त्याग कर देते हैं, अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श कर लेते हैं, तो क्या बालक को बार बार नहलाएं या क्या करने से उनकी शुद्धि होती है, ये शास्त्र में क्या कहते हैं, ये बहुत ही जो है कार्य का वीडियो है, बहुत ही काम की बात है। मतलब ये नित्य प्रति हरेक के घर में बालक हैं और उनका किस तरीके से व्यवहार करना है, तो ये शास्त्र बतलाते हैं। देखिए एक बात, यज्ञोपवीत होने से पहले या यज्ञोपवीत की जो अवस्था शास्त्र ने जिस जिस वर्ण के लिए बतलाई है, उससे पहले तक बालकों के लिए कामचार, कामवाद और काम भक्षण आदि के लिए कह दी, मैंने मनमाना कुछ बोल देते हैं, मनमाना जहाँ चाहे वहाँ चले जाते हैं, जो इच्छा करती वो खा लेते हैं, जब इच्छा करती तब खा लेते हैं, तो उनके लिए वो दोषकारक नहीं है। यज्ञोपवीत होने के बाद फिर उनके लिए वो दोष लगता है, ये शास्त्र कहते हैं। तो इनका किस किस अवस्था में क्या क्या बदलता रहता है ये देखिए। तो सबसे पहले तो बतला रहे हैं कि अन्नाशनांतम शिशु संज्ञा कहा स्या, जब तक उनका अन्नप्राशन संस्कार नहीं हो जाता तब तक उसे शिशु कहते हैं। माने षोडशे मासे अन्नप्राशनम, ये सूत्र षष्ठे मासे अन्नप्राशनम, छठे महीने में अन्नप्राशन होता है, तो छह महीने तक के बालक की संज्ञा यहाँ इस अवस्था के लिए, इस विधान के लिए शिशु संज्ञा है। और चौलावसानम भवती यह बाला, और जब तक चौल नहीं हो जाता तब तक की, चौल से पहले तक की ये संज्ञा जो है, बाल संज्ञा। और अग्रे कुमारो व्रतबंधनांत, व्रतबंधनांतम, जब तक उपनयन नहीं हो जाता उससे पहले तक उसको कुमार कहते हैं, कुमारावस्था है। तो अब इनकी शुद्धि देखिए कि पहले छह महीने तक बालक, और छह महीने से के बाद में तीन साल तक उसको, छह महीने तक उसको शिशु है ना, और छह महीने के बाद से लेकर के और तीन साल तक उसको कहते हैं बालक, बाल, और उसके बाद जब उपनयन नहीं होता तब तक उसकी संज्ञा है कुमार है ना। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं कि अभ्युक्षणात् शुद्ध्यति यह शिशु सह, वो छह महीने तक के बालक का भी यदि कोई जो उसको लेता है या स्पर्श करना चाहता है तो उसको जल से अभ्युक्षण करें, इससे ही वो शुद्ध हो जाएगा। यदि वो रजस्वला माता का स्पर्श करके आता है या कोई और अशुद्धि करता है, मतलब त्याग इत्यादि करता है, तो उस समय उसका जल से प्रोक्षण कर दीजिएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। अभ्युक्षणात् शुद्ध्यति यह शिशु सह, देखिए कर्मकांड प्रदीप में ये धर्म बतलाते हुए कह रहे हैं। और आचम्य शुद्धो भवती है बाला, और छह महीने के बाद तीन साल तक का कोई बालक है तो आचम्य आचमन करने के बाद वो शुद्ध होता, उसको आचमन कराइए, छह महीने के बाद आचमन प्रारंभ हो गया देखिए तब शुद्ध होगा। और स्नानात् कुमारः सुचिताम् उपैति, और तीन साल के बाद वो बालक जो है जिनका चौल संस्कार हो गया, चोटी चूड़ाकरण संस्कार हो गया है, उसके बाद व्रत बंधनांत जब तक उपनयन नहीं होता तब तक वो कुमार है, और उसकी संज्ञा शुद्धि होती स्नानात्, स्नानात् कुमारः सुचिताम् उपैति, उसको स्नान करना पड़ेगा, मान तीन वर्ष के बाद ही स्नान का विधान है,
तीन वर्ष से बाद के बालक को आप रख सकते हैं, माता के पास नहीं जाए तीन दिन, या जाए तो फिर उसको स्नान कराएं, ये जो आप कार्य कर सकते हैं। दुष्टैर युतः पातिक सूतिकाद्यैः स्पृष्टः, ये मतलब अगर कोई माता सूतिका है उसकी तो तब वो बालक चला जाता है, या वो ऋतुमती है तब चला जाता है, या खुद कोई अशुद्धि कर लेता है तो उसकी पवित्रता के ये हेतु है। और स्पृष्टे चेन नहीं चाप प्लवोस्ती आप्लव स्नानम इदम षष्ठ वर्षात पुरा न ऊर्ध्वम अस्ति तदा स्पर्श योगे भवेत स्नानम, यानी कि कहीं कहीं जो चौल इत्यादि करते हैं, जो चोटी करण चोटी रखते हैं, वो 5 साल तक भी करते हैं, 3 साल में या 5 साल में चूड़ाकरण का विधान है, तो 5 साल तक भी ले रहे हैं कि 5 साल तक के बालक से, 5 से यदि कोई ऊपर है बालक तो उसको स्नान कराना चाहिए, और 5 से नीचे है तो उसको आचमन करना चाहिए, और बहुत ही छोटा है तो उसके ऊपर जल छिड़क देना चाहिए, इससे वो बालक शुद्ध होता है, अन्यथा वो व्यवहार के योग्य नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि माता के गोद से लिया और आपने ले लिया तो वो अशुद्धि आप में भी आ जाएगी, इसलिए इन बातों का ध्यान दूसरी माताएं भी रखें और घर के लोग रखें, सुने समझें और आचरण करें। जब तक ये आचार विचार का पालन नहीं होता है तब तक वो कोई भी कर्म कर लें, उन्हें किसी भी कर्म का अधिकार नहीं है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, स्वयं भगवान वेद भगवान भी उस व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकते जब तक जो व्यक्ति सदाचार का पालन नहीं करता। इसलिए आचार प्रभवो धर्म, आचार प्रथमो धर्म, आचार विचार का पालन करना प्रथम धर्म है। लिखा हुआ है शिष्य गुरु के पास में आए कुछ पढ़ने के लिए तो सबसे पहले आचार की शिक्षा देवे गुरु, आचार विचार व्यवहार सिखलाए, सदाचार सिखलाए। तो इस तरीके से ये सदाचार की बहुत छोटी छोटी बातें हैं और इनका पालन करने पर ही और व्यक्ति महान बनता है, वो पुत्र संस्कारवान बनते हैं, वो कुल पवित्र रहते हैं जो आचरण का सदाचार का पालन करते हैं, अन्यथा तो आप समझ ही जाएंगे क्या हो रहा है। इसलिए आप सभी लोग सदाचार का पालन सदाचरण अवश्य करें। हर हर महादेव।